नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। सो कनाडा टूरिस्ट वीजा को लेके बात करेंगे। अभी आज क्वेश्चन एक ही हमारा रहेगा, मेनली रिजल्ट को लेके, प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात करते हैं। तो वीडियो के अंत तक देखें, आपको रिजल्ट को लेके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो पूछते हैं कि कब आएंगे, कब रिजल्ट आएंगे, उनको आंसर मिल जाएगा एक्चुअल में क्या सिनेरियो है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड विजिटर या टूरिस्ट वीजा की एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप ऑनलाइन कनाडा के वीजा एप्लीकेशन वीजा ऑफिस की टीम के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी रेजिडेंट कंट्री जहां भी आप है, चाहे आप दुबई में जॉब कर रहे हैं, आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, वहीं पे आपके बायोमेट्रिक हो जाएंगे। ऑनलाइन फाइल लगने के बाद बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आता है, जिसके भी आप बायोमेट्रिक कहीं भी किसी भी सेंटर में प्रोवाइड कर सकते हैं, आप जहां भी हो। सो ऑनलाइन ही आप ट्रांसपेरेंट वे से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, 9041090410 इज आवर हेल्पलाइन नंबर। सो रिजल्ट के मुद्दे पे आते हैं, जो कनाडा, क्योंकि अब नई एप्लीकेशन की तो बात कर रहे हैं, सभी की नई एप्लीकेशन लगाओ। मैं भी कहता हूँ कि क्रिसमस का प्लान बना के लगाओ, लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि पुरानों का तो रिजल्ट पेंडिंग है, फिर नए क्यों लगाए। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो रिजल्ट है वो स्टैंड स्टिल थे कोविड की वजह से, क्योंकि कनाडा ने टूरिज्म के लिए बॉर्डर बंद रखे थे। अब जो बॉर्डर की अनाउंसमेंट है फॉर फुली वैक्सीनेटेड पीपल, वो है 7th of September। पहला क्वेश्चन तो मैं ये आंसर करता हूँ, जो लोग पूछते हैं कि हमें कोवैक्सीन लगी है तो हम क्या वीजा अप्लाई कर सकते हैं, हमें वीजा मिलेगा। तो मैं बता दूं, कोविड की वैक्सीन जो भी आपको लगी उसका कोई प्रूफ एप्लीकेशन में नहीं लगता, कि आप प्रूफ दो कौन सी वैक्सीन लगी तभी आपको रिजल्ट देंगे। तो देखिए, आप रिजल्ट ले सकते हैं, यस, ट्रैवल के लिए जो कोवैक्सीन वाले होंगे या बाकी वाले होंगे जो अप्रूव नहीं है वो ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वीजा नहीं अप्लाई कर सकते हैं, वीजा फाइल कर सकते हैं। अब जब रिजल्ट की बात करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं तो 5 महीने 6 महीने 4 महीने ऐसे टाइम वेरी करता रहता है, लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन ये है कि पिछले साल की एप्लीकेशन के भी रिजल्ट पेंडिंग है। उसका कारण था बॉर्डर क्लोजिंग, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। तो बॉर्डर क्लोजिंग को लेके अब वैक्सीन वाले लोगों के लिए खुल रहे हैं 7 सितंबर से, तो अब कनाडा क्या है, विजिटर वालों के रिजल्ट स्टार्ट करेगा, क्योंकि अब वो अलाउ है। देखिए, आईआरसीसी ने अपनी वेबसाइट, आप वेबसाइट भी अगर उनकी देखते हैं तो उन्होंने क्लियरली लिखा होता है कि हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं उन एप्लीकेशन को जो एग्जेम्पशन में आते हैं, जो ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट वीजा भी आता है। तो आपने नोट किया होगा कि स्टूडेंट वीजा के रिजल्ट तो आ रहे हैं, 4 दिन में भी आ रहे हैं, कईयों के 15 दिन में भी आ रहे हैं, किसी को टाइम भी लग रहा है। विजिटर के जो ट्रैवल कर सकते हैं या जो एग्जेम्पशन अप्लाई करते हैं, मान लो आपका भी ट्रैवल नहीं कर सकते, आप एग्जेम्पशन अप्लाई करो, आपको एग्जेम्पशन मिलती है, उसको अपडेट करते हो, आपको हाथों हाथ रिजल्ट भी मिल सकता है। ये एक प्रूफ है इस चीज का कि एग्जेम्प्ट लोगों को वो रिजल्ट दे रहे हैं। अगर आपका ट्रैवल प्लान एक्सपायर हो चुका है तो आप नया ट्रैवल प्लान वेब फॉर्म के जरिए अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ट्रैवल प्लान निकल चुका है तो वो आपको रिफ्यूजल ही देंगे, वो वीजा दे सकते हैं, क्योंकि उनको पता है पैंडमिक की सिचुएशन थी। अब आगे मुद्दा आता है कि रिजल्ट फाइनली कब स्टार्ट होगी। मेरा मानना है अगस्त तक वेट करें, अगस्त के बाद रिजल्ट को लेके स्पीड हो सकती है, लेकिन पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, सो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, सभी के रिजल्ट एक दिन में नहीं आ जाते। जो नए एप्लीकेंट है उनके लिए मेरी एडवाइस है, फाइल लगाएं, आपको बायोमेट्रिक मिलेगा अक्टूबर के, अगर आप इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस हिसाब से अपनी फाइल लगा सकते हैं, आपका रिजल्ट जो क्रिसमस के आसपास आने की उम्मीद है, इसीलिए आप ट्रैवल प्लान भी जो क्रिसमस का रखना। तो इस साल में जो एवरेज टाइम रहेगा, जब प्रोसेसिंग स्टार्ट भी होगी तो 1-2 महीने तो नॉर्मली लगने ही लगने, ये डिपेंड करेगा जब प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, जब फाइनली रिजल्ट फास्ट अप होते हैं। तो बायोमेट्रिक हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मेरा एक ही आंसर है, वेट एंड वॉच, 7 सितंबर का वेट करें। जैसे बॉर्डर को लेके अनाउंसमेंट फाइनली ओपन होंगे, लोग जाना शुरू होंगे, आप खुद नोट करेंगे कि रिजल्ट भी आ जाएंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक विजिटर के तभी स्टार्ट किए हैं क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन पर रिजल्ट देने का मन बना लिया है। लेकिन अभी वीजा ऑफिसर कनाडा का सितंबर इंटेक स्टूडेंट वीजा के लिए काफी बिजी है, तो यही एक कारण है कि बाकी एप्लीकेशन के रिजल्ट स्लो है। तो सितंबर इंटेक की पेंडेंसी निकलेगी, तो उसके बाद विजिटर वाली कैटेगरी है, इस पर भी वर्किंग स्टार्ट करेंगे, स्टाफ को साइन करेंगे जो रुका हुआ था, अभी उन्होंने साइन नहीं किया था। उम्मीद है कि कुछ टाइम तक वीडियो, मेरी कुछ वीडियो आगे आएगी जिसमें मैं रिजल्ट का आपको बताता रहूंगा, और होप्स हो कि अगस्त के बाद रिजल्ट जो है वो आने शुरू हो जाए। सो दोस्तों, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर लें, 9041090410। जनरल फीस के साथ आप ऑनलाइन अपनी विजिटर वीजा कनाडा की एप्लीकेशन घर बैठे ही हमारी वीजा ऑफिस की टीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सो और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।